शिवानी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या और है आजकल, वो है बोर होने की। मुझे खुद याद है कि मैं जब छोटी थी, बड़ी हो रही थी, हमारे पास भी शायद परवरिश अलग थी, पर हमारे पास ज्यादा बोर होने को कभी होता नहीं था। मैं अभी भी बोर नहीं होती हूँ, पर माँ बाप की इसमें भी गलती रहती है, बच्चे बोर हो रहे हैं, बोर हो जाएंगे या हम बोर हो रहे हैं, अब क्या करें। तो एक बेचैनी है लगातार, बोरियत, इस बोरियत के वायरस को क्या किया जाए। आप बोर इसलिए नहीं होते थे क्योंकि आपको अपने साथ रहने की आदत थी। अगर आप अपने बचपन और अभी के बच्चों को देखें, जब हमें स्कूल से छुट्टियां मिलती थी 2 महीने के लिए, हमारे पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता था करने के लिए। इतनी क्लासेस, इतनी एक्टिविटीज, इतने क्लब्स, और टेक्नोलॉजी तो खैर थी नहीं, तो स्टिम्युलस कुछ नहीं था बाहर, राइट? तो हमारा दायरा कितना था, जो घर पे कुछ कर लिया, थोड़ा सा बाहर जाके खेल लिया, लेकिन कुछ नहीं भी कर रहे थे तो अपने साथ कंफर्टेबल थे। अब जैसे जैसे, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट चिल्ड्रन, ये बड़ों के साथ भी है, जैसे जैसे हमें आदत पड़ गई कि हमारा मन सारा दिन किसी ना किसी और चीज के साथ होना चाहिए, मतलब अपने आप के साथ हम नहीं बैठ सकते, हम खाली नहीं बैठ सकते, हम बिना कुछ किए बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब से हमारे हाथ में फोन आया ना, हम 2 मिनट भी खाली नहीं बैठते हैं। आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखिए, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स का एक सिग्नल होता है, उतनी देर में भी हम फोन को चेक करते हैं कि उतनी देर में कोई व्हाट्सएप आया, तो मतलब हम 40 सेकेंड्स भी खाली नहीं बैठते हैं। तो जब हम बिल्कुल खाली नहीं बैठेंगे अपने साथ, और फिर एक दिन खाली बैठना पड़ जाए, तो वो तो बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि हम बैठ नहीं सकते, हम बिना स्टिम्युलस के बैठ नहीं सकते। आजकल लोग खाली नहीं बैठते, कुछ नहीं तो अच्छा टीवी, अच्छा टीवी पे इतना कुछ है तो क्लिक करते जाओ, कहीं ना कहीं तो अटकेंगे या के देखते जाएंगे। हमारे पास इतने सब स्टिम्युलस नहीं थे, तो हमें अपने आप के साथ बैठने की आदत थी। एंड दिस इज अ हैबिट विच पीपल शुड कल्टिवेट, कि यू नो, सिटिंग डूइंग नथिंग, बिना कोई अपने हाथ में कोई चीज रखे हुए खिलौना, ऐसे ही बैठने की आदत डालिए। ये सिर्फ थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन में हम उस आदत पे चले जाएंगे। हम सब के लिए तो बहुत ईजी है क्योंकि हम उसी तरह बड़े हुए हैं, बट हम करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी सिखाना शुरू करेंगे। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं, कहते हैं हमें वो सब देना है जो हमें नहीं मिला अपने बचपन में, लेकिन हम वो चीजें देना भूल रहे हैं जो हमें मिली थी। हम सब वो दे रहे हैं जो हमें नहीं मिला था, जो हमें मिली थी वो भी देना चाहिए, क्योंकि हम शायद आखिरी जेनरेशन होंगे, उसके बाद तो कोई होगा नहीं उनको वो वाली चीजें देने के लिए, तो वो दीजिए। वो जीवन जीने का तरीका, वो संस्कार, वो इमोशनल स्टेबिलिटी, वो उनको देनी जरूरी है। इसीलिए बाहर बहुत देशों में पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ ये नियम बना लिया है, एक दिन नो फोन, हर रोज इतने घंटे नो फोन, क्योंकि वो बहुत कुछ देखकर अब वो यू टर्न ले रहे हैं, यू नो, वो यू टर्न ले रहे हैं कि नहीं, इस सब से तो हमारा बहुत नुकसान हुआ, तो वो अभी यू टर्न ले रहे हैं, हम अभी तक जरा सीधा जा रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा यू टर्न लेने की जरूरत है। जी व्हाई जी गो एंड डैमेज एंड देन कम बैक, डू इट राइट अवे। बिल्कुल, दूसरों का तजुर्बा, उसे सीखे कि आगे जाके यू टर्न ले से पहले ही हम घूम जाएं। और जो आपने कहा कि अपने साथ बैठने की और कुछ नहीं करने की आदत, तो वो तो सबसे बड़ी चुनौती है कि कुछ ना करें कुछ देर के लिए, क्योंकि लोग बहुत मुश्किल इस बात को पाते हैं कि हम लोग कहते हैं ना, आप कहें कि मेडिटेट करें, तो कैसे करें मेडिटेट, दिमाग में हमारे थॉट्स आते हैं, ध्यान कैसे लगाएं। तो कुछ नहीं करना भी तो एक मेडिटेशन ही है, तो उसको टू हाँ, बिगिन विथ प्रॉबेबली राइट, 5 मिनट्स। एब्सोल्युटली। अगर मेडिटेशन नहीं भी कर रहे ना, सिर्फ कुछ नहीं करो वो बैठो पहले शुरू में, नेवर माइंड मेडिटेशन नहीं आता, लेकिन ये जो ऐसे हाथ ऐसे चलता रहता है ना कि कुछ चीज को तो उठाए, कोई किताब, कोई अखबार, कोई टीवी का रिमोट, कोई ये, इसको थोड़ा सा अपने संयम में लाना है कि पांच पांच दस दस मिनट बिना कुछ किए बैठो, बिना कुछ हाथ में रखे लोगों से बात करो। मल्टीटास्किंग, हम लोगों ने बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग किया है, तो इसलिए ये साइलेंट नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये तो एक काम नहीं कर रहा था, ये तीन तीन काम कर रहा था इकट्ठे। अब जिसको तीन बिल्कुल काम करने की आदत हो, उसको बोलो ऐसे बैठ जाओ, तो वो कैसे बैठेगा, उसको मुश्किल होने लगती है। और तब भी हमें डॉक्टर्स बोलते थे, डोंट डू मल्टीटास्किंग, ये आपको तंग करेगा बाद पे। हमने कहा नहीं, हमारे पास काम ही इतना है, तो हम एक हाथ में ये, एक हाथ में ऐसे। सो दिस इज अ लिटिल प्रैक्टिस, कि रोज सुबह 5 मिनट शुरू कीजिए, जस्ट सिट डूइंग नथिंग फर्स्ट,
और फिर मेडिटेशन इज नॉट डूइंग नथिंग, मेडिटेशन मीन्स सही सोचने का तरीका। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं, जिसमें हमें थॉट्स क्रिएट करनी है, हमें थॉटलेस नहीं होना, लेकिन सही थॉट्स क्रिएट करनी है और परमात्मा से एक बहुत प्यारा सा कनेक्शन जोड़ना है। वो तो फिर सेंटर पर जब आप लॉकडाउन पूरा हो जाएगा आप आइएगा, सीखेगा, या ऑनलाइन भी कई सेंटर्स पर हो रहा है, वो भी सीख सकते हैं। तो मेडिटेशन तो एक सीखने की चीज है, लेकिन तब तक थोड़ा सा बिना टेक्नोलॉजी के धीरे 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 बैठना शुरू करना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कल्प्रिट है, तो उसको थोड़ा सा नहीं दूर अपने से नहीं नहीं रखिए। टेक्नोलॉजी कल्प्रिट नहीं है, टेक्नोलॉजी तो बहुत काम की चीज है, हम यूज उसको ठीक से नहीं करते हैं। आपको वो अपना गुलाम न बना ले, ये हाँ ध्यान रखना। एग्जैक्टली, वो चीज हमारे को यूज करने के लिए मिली थी, हमने उसको कंट्रोल करना था, आज वो चीज हमें कंट्रोल कर रहे हैं। थोड़ी देर भी इंटरनेट अगर गोल गोल घूमता है ऐसे फोन पे, हम यहाँ गोल गोल घूम जाते हैं, मेरा फोन नहीं चल रहा, दिस इज व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट ट्रबलिंग अस। जी चीज तो जी बहुत अच्छी बनी है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है इन चीजों के साथ, लेकिन जितनी लाइफ इजी होनी चाहिए थी तो टेंशन कम होनी चाहिए थी। हमारी लाइफ इजी हो गई लेकिन हमने ठीक से नहीं यूज किया, तो टेंशन हमने ऐड कर ली। सो देन पीपल से वो वाली जीवन ही बेटर थी, एक्चुअली तो ये वाली जीवन बेटर है, इतने साधन मिल गए हैं। लेकिन साधन और साधना, इसलिए ये दो शब्द है, साधन साधना, साधना यहाँ होती है, साधना को साधन पर डिपेंडेंट नहीं करना। स्टिमुलस कुछ ज्यादा ही है, उसको किस तरह से आप थोड़ा सा काबू में रखें ये देखना चाहिए। कुछ सवाल आ रहे हैं शिवानी जी, वीना सिंह हैं जिन्होंने आपके लिए सवाल भेजा है। लिखा है कि आई हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट गुड थॉट्स अबाउट सम सिचुएशन और सम पर्सन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील लाइक आई एम स्ट्रगलिंग टू क्रिएट इट इन द इनर सेल्फ। आई एम नॉट एबल टू बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू थिंक, हाउ टू प्रैक्टिस दिस। सबसे पहले रोज खुराक जरूर लेनी है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने की इच्छा है, लेकिन अच्छा करने की ताकत भी होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि मुझे 3 किलोमीटर वॉक करना है, लेकिन खाना तो खाना चाहिए ना मुझे, नहीं तो मैं आधे किलोमीटर बाद ही गिर जाऊंगी, मुझसे होगा नहीं वो। इसीलिए पहले आप ये रोज आधा 1 घंटा प्योर कंटेंट अंदर डालना जरूर शुरू कीजिए। जब तक अंदर अच्छा नहीं जाएगा, यहाँ की सोच अच्छी नहीं हो पाएगी, एक स्टेप वो है। और दूसरा चीज, जब वो बात हुई थी, मतलब पिछले हफ्ते पिछले साल जब भी वो बात हुई थी, हमने यहाँ जो रिकॉर्ड किया था कि उनकी वजह से मुझे चोट लगी, ये हमने रिकॉर्ड किया था, तो हम आज भी उनको अपने दर्द का जिम्मेवार ठहराते हैं। जब तक हम लोगों को अपने दर्द का जिम्मेवार ठहराएंगे, हम उनके लिए अच्छा नहीं सोच पाएंगे। अगर आप वो प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा चेंज करें कि उन्होंने जो किया वो किया, सही गलत वी डोंट नो अभी, बट उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, यहाँ जो मैंने अपने आप से बोला उसने मेरी चोट क्रिएट की, तो मेरे दर्द की, हर्ट की, चोट की जिम्मेवार मैं थी, अब हील भी मुझे खुद को करना है। फिर धीरे धीरे डेली वो ज्ञान लें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। अच्छे वाले थॉट्स आप सोच नहीं सकते, आप लिख सकते हैं शुरू में, यू कांट क्रिएट इट हियर, यू राइट इट डाउन। सेकेंड स्टेज आप बोलिए, थर्ड स्टेज आप सोचिए। तो अंदर से बाहर नहीं आ रहा ना, तो बाहर से अंदर जाएंगे, पहले अच्छी लाइनें लिखेंगे, फिर अच्छी लाइनें बोलेंगे, फिर अच्छी लाइनें सोचेंगे। That's helpful आपके लिए वीना जी, ये जो आप समझाया आपको शिवानी जी ने। एक और सवाल ये है कि हम बहुत लोगों को से ऐसे मिलते हैं अपनी रोजाना जिंदगी में जिनके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और एनर्जी आप कई बार महसूस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के सानिध्य में रहने से आपको अच्छा महसूस होता है, कहीं पर जाके आप अगर शांत भी हैं शायद ऊपरी तौर पर, लेकिन आप बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर आने से कैसे रोकें, हाउ टू अवॉइड इट। जैसे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे इमोशनल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करनी थी, हमेशा ही करनी थी। एंड विच मीन्स, अगर आप नहीं चाहते कि किसी की नेगेटिव वाइब आप पर आए, तो आपको उसकी वाइब्रेशन से अपनी वाइब्रेशन को बहुत ऊपर रखना पड़ता है। वाइब्रेशन को फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। सपोज किसी की फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 फ्रीक्वेंसी क्यों है, उनके अंदर डर है, गुस्सा है, निंदा है, नफरत है,
कोई ऐसी इमोशन होगी तो उनकी वाइब्रेशन 20 है. अब अगर हम 30 पर हैं या 40 पर हैं तो ये 20 वाइब्रेशन हम पर असर कर जाएगी क्योंकि हम बहुत नजदीक हैं उस फ्रीक्वेंसी के. लेकिन अगर हम इमोशनल डिस्टेंसिंग करते हैं, विच मीन्स हम रोज अपना ध्यान रखकर हम गुस्सा, निंदा, चिंता, डर इसको खत्म कर शांति, शक्ति, प्यार, एक्सेप्टेंस, क्षमा, ये वाली वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 80-90 पे चली जाती है. जब हमारी फ्रीक्वेंसी 80-90 पे जाएगी, ये 20-30 आप तक पहुंच ही नहीं सकते बिकॉज यू आर जस्ट नॉट देयर ऑन दैट फ्लोर. यू नो, ये एक टावर है, वो फर्स्ट फ्लोर पे, आप 10th फ्लोर पे हैं, ये नहीं आ सकते आपके पास. लेकिन आपकी वाइब्रेशन इनको जाकर इनकी स्थिति को भी अच्छा कर देगी. तो अपनी वाइब्रेशन को अच्छा करने में ना सिर्फ अपनी सेवा नहीं होती, औरों की बहुत सेवा होती है. जैसे आप कहेंगे किसी से हम मिले, हमें पॉजिटिव वाइब्स मिली, सो बी दैट वन, वी नीड टू बी दैट वन जो हमसे मिलकर दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स मिले. हमें क्यों नेगेटिव वाइब्रेशन असर कर रही है, हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले पर क्यों नहीं असर कर जाएगी? वाइब्रेशन तो किसी की भी किसी को मिलेगी ना, लेकिन अब उसके लिए अपनी वाइब्रेशन को हायर रखिए तो लोअर वाइब्रेशन आप पर कोई असर नहीं कर सकती. एनर्जी नीचे से ऊपर नहीं फ्लो करती, एनर्जी ऊपर से नीचे फ्लो करती है. तो एनर्जी लोअर की ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर वाले की एनर्जी लोअर वाले को मिलेगी. सो द इजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, लिव एट अ हायर वाइब्रेशन इन योर ओन लाइफ. And to live at a higher vibration in your own life, you need to practice by, like you just said, writing down good thoughts and then... No, your way of living, aap tarika apna use kijiye, spiritual study, meditation, prayers, lekin saath mein apne sanskar, gussa karna, irritate hona, criticize karna, logon ko blame karna, purani baatein pakad kar rakhna, iski udhar bolna, uski udhar bolna, gossip karna, ऑफिस पे या कहीं पे मैनिपुलेटिव होना, ये सारी चीजें हमारी वाइब्रेशन को नीचे लाती है ना. बी क्लीन, क्लीन एंड प्योर, सिंपल सिंपल पर्सन. ये भी सवाल एक है किसी का कि आप ये सब कैसे करें जब आपके पास इतना या आपके ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है, काम का प्रेशर है, एक तरीके से जीने का, लाइफस्टाइल का, तमाम चीजों का दबाव आपके ऊपर है, तो कई तरह के प्रेशर रहते हैं, इसलिए आप ये मैनिपुलेट करना, ये सब ये चीजें लोग करते हैं. इससे आप प्रेशर, प्रेशर आपके संस्कार नहीं बदल सकते. लेकिन अगर आपने अपने जीवन की प्रायोरिटीज कुछ और रखी हैं, तो आप उन प्रायोरिटीज को पाने के लिए अपने संस्कार बदलें, वो चॉइस आपकी अपनी होती है. जैसे झूठ बोलना, कोई भी प्रेशर आपसे झूठ नहीं बुलवा सकता है, लेकिन आप शॉर्टकट मेथड से कुछ पाने के लिए, झूठ बोलने के लिए रेडी हो जाएं, तो ये चॉइस हमारी है हमारे संस्कार बदलने के लिए. कोई प्रेशर हमारे संस्कार नहीं बदल सकता, हमारे संस्कार हमारे अपने हैं. अब इस तरफ जाना या उस तरफ, हमारी चॉइस है. सिर्फ हम बहुत जल्दी कुछ पाने के लिए, चाहे एक पोजिशन, चाहे एक ऑर्डर, चाहे एक प्रोजेक्ट, चाहे धन, चाहे प्रमोशन, हमें लगता है कि हम कुछ पाने के लिए अगर अपने संस्कारों पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर हम बाहर की चीज शायद पा लेंगे लेकिन अंदर की चीज में कुछ खो देंगे. तो बाहर अचीव कीजिए, बहुत अचीव कीजिए, बट यहाँ का नुकसान करके अगर बाहर अचीव किया तो अमीर बन सकते हैं, सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि दो चीजें बहुत अलग होती हैं. आप बाहर अचीव करें लेकिन सुकून को कायम रखें, and for which life will have to be at the highest principles and values and ethics. एक सवाल बच्चों से जुड़ा हुआ आया है. शुमेला तेजीब कहती है कि आजकल बच्चे बहुत अग्रेसिव और एजिटेटेड हैं और वो फेक लाइक्स यानी कि झूठी तारीफ इंस्टाग्राम और फेसबुक बुक पर इसकी दुनिया में जी रहे हैं और जब उन्हें नहीं मिलती तो उन्हें बड़ा दबाव आ जाता है. आप उन्हें समझाना चाहते हैं, कन्विंस करते हैं, पर वो आपको सुनते नहीं और आपको अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं. आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपने कुछ हद तक तो बताया ही है पहले कि जो माँ बाप के संस्कार होंगे उसको बच्चे महसूस करेंगे, पर इनका ये सवाल है तो मैं ये सिर्फ बच्चों में नहीं, ये हम में भी है. हम जब अपनी कोई चीज पोस्ट करते हैं, हम भी लाइक्स का वेट कर रहे हैं, हम भी गिन रहे हैं कि कितनों ने लाइक किया. अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो हम भी अफेक्ट हो रहे हैं. तो इसमें बड़े और बच्चों की बात नहीं है, इसमें ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग की नेचर है. और हम ऐसे पहले भी थे, जब हम एक नई ड्रेस पहन के पार्टी में जाते
वी वुड वेट कि लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हो. जब लोग बोलेंगे आप बहुत अच्छे लग रहे हो तब मुझे अच्छा फील होता है. विच मीन्स मुझे अपनी चॉइस की वैलिडेशन लोगों से चाहिए थी. जब सोशल मीडिया नहीं था तो वैलिडेशन अपने आसपास के लोगों से चाहिए होती थी. अब सोशल मीडिया आ गया तो उस पर सारे जो हैं उनसे वैलिडेशन चाहिए कि वो लोग लाइक करें. जितना हम अपने आप को स्पिरिचुअली इम्पावर करते हैं, मतलब यहाँ की बैटरी जितनी भरती जाएगी तो लोगों से जो इच्छाएं हैं मांगने की टू फील गुड वो कम होती जाएगी. दोनों चीजों का डायरेक्ट कनेक्शन है. जितना खुद को भरेंगे लोगों से मांगना नहीं पड़ेगा कि आप मुझे बोलो मैं अच्छी हूं तो मैं अच्छी हूं, और अगर आप बोलो मैं नहीं तो नहीं. तो दैट्स वाई सेल्फ एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथनिंग, इमोशनल हेल्थ बहुत बहुत जरूरी है. आप अभी उनसे उनका सोशल हैंडल नहीं छीन सकते, आप उनसे उनकी वो लाइक्स और उस पर डिपेंडेंसी नहीं छीन सकते, लेकिन आप उनको यहाँ भरना शुरू कर दीजिए वो चीज पर उनकी डिपेंडेंसी अपने आप खत्म हो जाएगी. इट्स लाइक एनी अदर एडिक्शन. एडिक्शन भी इसलिए होती है क्योंकि अंदर कोई खालीपन होता है, वो भर जाए एडिक्शन तो अपने आप छूट जाती है. So the need for validation from the society will not be there the more spiritually And that you are. parents should also not have a need for validation from society. Absolutely. Yes. Actually, when the adults and that's how the children will replicate. एक और सवाल है मनोज सिंगला पूछ रहे हैं कि इन जनरल जैसे कह रहे हैं कि आप बता रही हैं ये कि फॉरगिव करने का फॉरगेट करने का प्रिंसिपल अपनाएं कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे रखें नहीं but he asks if the other person in this case his boss or somebody's boss continuously gives you setback or harms you or stops you your promotion in your professional life then how one can apply this principle and how many times please advise what should be done in such a situation although I never retaliate and talk respectfully but how can one keep oneself calm आप अपने ऑप्शन सारे रख लीजिए. अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. जैसे आपने कहा आप रिस्पेक्टफुली बात करें, आपका रिस्पेक्टफुली बात करना इज नॉट जस्ट फॉर द अदर पर्सन. आपका रिस्पेक्टफुली बात करना अपनी शक्ति को कायम रखता है. डोंट गिव अवे योर पावर इन रिएक्टिंग टू सिचुएशंस. सामने वाले को आप चेंज नहीं कर पा रहे, आप अपनी बात को रख पा रहे हैं. एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार रखिएगा, फिर भी अगर आपको कुछ भी वहां चेंज नहीं हो रहा है तो कम से कम आप यहाँ अपना नुकसान तो नहीं होने दीजिएगा. वो आपका कुछ नुकसान बाहर कर रहे हैं, शायद आपकी करियर की ग्रोथ रुक रही है, शायद आपको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वो आपका बाहर नुकसान कर रहे हैं. आपने उसको ठीक करने की कोशिश की, नहीं हुआ. आप नौकरी चेंज करना चाहें, शायद अभी नहीं हो रहा है. तो तीसरा ऑप्शन क्या है? जब आप अपने बाहर का नुकसान नहीं संभाल पा रहे, नहीं बचा पा रहे, कम से कम अंदर का नुकसान तो बचा लीजिए ना. हो सकता है प्रमोशन कम मिले, लेकिन सुख प्रमोशन पर डिपेंडेंट नहीं है. लेकिन यहां अगर नफरत पकड़ ली, अंदर 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 अक्यूमुलेट होता गया, ये नुकसान अपनी चॉइस होगी, वो नुकसान उनकी जिम्मेवारी, ये नुकसान हम क्रिएट कर देंगे. और अगर हमने यहाँ नुकसान किया उसका हमारे शरीर पर और हमारे रिश्तों पर पड़ेगा. तो अगर बाय सम चांस जीवन में कोई एक नुकसान बाहर हो भी रहा है तो एक नुकसान को एक ही नुकसान रहने देते हैं, बाकी तीन चीजों को अच्छा रख लेते हैं. तो एक में कम होगा, बाकी तीन में भरपूर होंगे, सुकून, सेहत और अच्छे रिश्ते. दीपिका महिधारा है शिवानी जी वो कह रही है कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन लोगों को जिनकी नौकरियां जा रही है लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खोई है क्योंकि जब नौकरियां जाती हैं जीने का जरिया चुनता है तो परिवार का भरण पोषण ये तमाम चीजें रहती हैं तो वो बड़ा मुश्किल है उस समय अपने आप को संभालना बहुत लोग हैं जिनकी अभी गई नहीं है लेकिन उनको लग रहा है कि चली जाएगी, बिकॉज इंडस्ट्री उस तरह से मैसेज दे रही है कि इतने लोग जाएंगे, इतने की सैलरी कट होगी. हर रोज हम कुछ अफर्मेशंस करते हैं, विच मीन्स प्योर पावरफुल थॉट्स. जस्ट 10 थॉट्स आई विल गिव क्विकली. आई एम पावरफुल, शक्तिशाली. आई एम पीसफुल, शांत. आई एम फियरलेस, निर्भय. माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी. मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा रहेगा. परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे चारों तरफ है, इसमें कुछ नहीं घुस सकता.
परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे परिवार की तरफ है, वो सुरक्षित है। परमात्मा की शक्तियों का कवच मेरे काम के चारों तरफ है, वो काम शायद जॉब हो, वो काम शायद अपना बिजनेस हो, मेरा जॉब मेरा काम सेफ है। प्लीज इस संकल्प को बार 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 दिन में कई बार रिपीट करिए। जो हम संकल्प करते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, संकल्प से सिद्धि होती है, थॉट्स मैनिफेस्ट। अगर हम बार बार सोचेंगे मेरी नौकरी ना चली जाए, चली जाएगी तो क्या होगा, अभी कुछ नहीं हुआ है, डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट थिंक माई जॉब इज सेफ एंड विल ऑलवेज बी। तो वो जिनकी नहीं गई है, अगर किसी की चली गई है ऑलरेडी, उनकी तो और भी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने मन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दूसरी जॉब तो हमारे लिए रेडी होने वाली है। हमें एक संकल्प करना है, मुझे अब बहुत जल्दी पहले से भी बेटर नौकरी मिलने वाली है। थोड़े दिन में मैं अपने आप को बताने वाली हूँ या बताने वाला हूँ कि मेरे साथ जो हुआ इसमें मेरे लिए फायदा था, मेरे लिए एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ, डोंट लेट योर माइंड गो डाउन। अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी होगी, मुश्किल सिर्फ उनके लिए आएगी जिन्होंने इस समय अपने मन को संभाल कर नहीं रखा। मन ठीक तो जगत अपने कंट्रोल में है, मन को इस समय संभाल लीजिए, करियर तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज डेफिनेट। जी, शिवानी जी, हमारे पास इतना ही वक्त है, कुछ एक आखिरी संदेश आप लोगों से कुछ कहना चाहें। बस आधा एक घंटा रोज अपने मन का ध्यान रखना प्लीज जरूरी समझिए, फिर वापस उस भाग की जिंदगी में मत जाना जो आप फिर कहना शुरू करें कि मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। अब सुबह का एक घंटा अपने लिए जरूर रखिएगा, फिर सारी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि अब का जो समय है इसमें मन का हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वो सुबह का एक घंटा मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी करें, सेल्फ के साथ टाइम बिताएं, योगा एक्सरसाइज करें, लेकिन ये एक घंटा अपने आप को गिफ्ट दीजिए। मन ठीक सब कुछ बढ़िया होगा उसके बाद, लेकिन मन को कोई और नहीं संभाल सकता हमारे लिए, हमें खुद को ही वो करना पड़ेगा। सो जस्ट कीप 1 आवर फॉर योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग प्लीज।